मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि उनके जन्मदिन पर फूलों की मालाओं बुकों से स्वागत न किया जाए, अगर हो सके तो पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि मेरे जन्मदिन पर ही पेड़ लगाएं, आप अपने जीवन के हर शुभ अवसर पर पेड़ लगाएं। पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन है तो जीवन है, वृक्ष ही जीवन है। उन्होंने कहा वे खुद पेड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है, मेरा हमेशा संकल्प यही रहता है कि जीवन का हर क्षण सार्थक हो, हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए काम आएं। और अपनी है प्रदेश की जनता, हम सरकार के माध्यम से तो सार्थक काम कर ही रहे हैं, लेकिन मन में यह भाव भी आया है कि जन्मदिन के अवसर को भी उद्देश्यपूर्ण मनाया जाए। उन्होंने कहा, मैंने 1 साल तक रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। धरती हमारी माँ है, माँ हमें सब कुछ देती है परंतु हमें भी उसे कुछ देना है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और तब स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि धरती पर मानव और जीव जंतुओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। हम आने वाले संकट को पहचानते हुए पर्यावरण बचाने के लिए आज से यह सार्थक प्रयास करें। पर्यावरण बचाने का प्रभावी माध्यम है कि हम धरती माँ का श्रृंगार पेड़ लगाकर करें। मेरी आपसे अपील है कि मेरे जन्मदिन पर फूलों की हार की, स्वागत द्वार की, जय जयकार की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप एक काम कर दें, एक पेड़ लगा दें तो जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। वृक्ष धरती माँ का श्रृंगार है और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हुआ है, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह तापमान लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में धरती पर परिस्थितियां विकट होगी, मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट पैदा होगा, बाकी जीव जंतुओं के अस्तित्व पर तो संकट होगा ही। इसलिए जिस धरती माँ ने हमें सब कुछ दिया है उसको बचाएं और धरती माँ को आने वाली पीढ़ियों की रहने के लायक रहने दें। इसलिए मेरी प्रार्थना है पेड़ जरूर लगाएं, आपके जन्मदिन पे भी लगाएं, जरूरी नहीं है कि 5 मार्च को ही लगाएं। परिवार में कोई भी शुभ अवसर आए आप पेड़ जरूर लगाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।